अभी वक्फबोर्ड का इलेक्शन कर्नाटक 2024 का जो 19 तारीख नवंबर में हुआ, 22-21 जो भी रिजल्ट भी निकला, और आज के 20 आज 8-9 तारीख में 20 दिन हो रहे हैं, तो एक आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू वक्फबोर्ड को खारिज किया तो हर जगह बात करता है, आप मोदी बोल के काम खारिज करवाया चंद्रबाबू नायडू, एक इंस्टीट्यूशन को धक्का नहीं आंध्र प्रदेश, एक भी, सिर्फ एक भी, हर दरगाह शरीफ हर इंस्टीट्यूशन को पूछो, एकदम सेफ से है आंध्र प्रदेश में, जितना रिकॉर्ड है कानूनी इस अंदर। आज 20 दिन हो गया, चुना जा रहा है अपने चेयरमैन के लिए, कहां से चेयरमैन बनना है, अभी इलेक्टोरल कॉलेज 11 या 12 आदमी बनना है, एक शाही इमाम को बनाते हैं, एक अपने सुन्नी शिया से बनाते हैं, एक सोशल वर्कर में लेते हैं, और जो ऑलरेडी बने हैं दो लोगों में लेते हैं, और दो लॉ सेक्रेटरी लॉ बार काउंसिल को लेते हैं, ये तमाम हुआ है क्या? ये तमाम के चीज जो है कर्नाटक में मसाजिदों में आग लगाया गया, हर मसाजिद में आग लगी कि भाई ऐसी हुकूमत लाने के लिए, ये हुकूमत थी कि भाई जो आज आदमी जो दो जिम्मेदार वक्फबोर्ड में चुने गए मेंबर से, इनके कसूरदार हैं क्या? यानी कहां भी गिल्टी है क्या जो चेयरमैन बनाने अनवर बादशाह है, और जो जो भी अपने खाजा या अली बाबा जो भी इनका नाम पता नहीं है, इन जो जीते 1-2 में, इनको क्या है कानून में है क्या ऐसा? ये देखने का काम आज सरफराज खान जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके ऊपर है, और आज सीईओ जो है उनके ऊपर है, माइनॉरिटी सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट का उनके ऊपर है, हॉनरेबल मिनिस्टर के भी सीएम के ऊपर नहीं है, कल के दिन जेल फेस करना हो तो यही करते हैं ये तीनों आदमी। कानून क्या है कि भाई गिल्टी है क्या तो गिल्टी के आदमी को चेयरमैन बनाते हैं ना, इसका मतलब एकदम ये भूखा है क्या, भूखा शेर को लेके आगे बकरी के बच्चे के ऊपर छोड़ता है क्या? ये सभी तमाम कानून बुक में लिखा है, 15B वक एक्ट में लिखा है, जो भी है 15B में, यानी जो गिल्टीनेस नहीं रहना, आप किसको बिठाएंगे? आज जो पूछा जा रहा है चंद्रबाबू का नाम हर जगह बोलता है तो आज कहां है, कौन सोशल वर्कर है, और कौन अपना सुन्नी में शिया में किसको लाया जाएगा? तो ये लोगों को लाने के बजाय ऐसे तमाम चीजों से चंद्रबाबू नायडू आंध्र का क्यों नहीं अच्छा है? आज एकदम सेफ्टी हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंडर है, किसी का कोई वायदा नहीं है, तो यहाँ पे लाएगा, कन्विक्ट होना जरूरी नहीं है। जब हमें वो अपना विश्वास से अमलान को बात किया तो ये पूरे लोग आते हैं हर जगह पे लूटा है, ऐसा आज जब बनाते हैं मुझे लगता है आंध्र प्रदेश की हुकूमत से जो किए हैं सोच समझ के किया है, क्योंकि ये गंदगी लाना नहीं चाहते हैं इन्होंने, ये भी इंस्टीट्यूशन का माल जितना भी ये गुंटा भी है ले नहीं सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, यहां पे 1200 एकड़ से 1500 एकड़ की कीमत तकरीबन 10-20 हजार 50 हजार करोड़ की कीमत की प्रॉपर्टी रहती है, क्या आप इनको चेयरमैन बनाएंगे क्या? क्यों नहीं अभी का जरूरत क्या? कानून बदलाना चाहिए, वक्त एक्ट बदलाना है, तुमने वक्त को चेंज किया चंद्रबाबू उसके ऊपर डाल के आपका जूता फेंकता है इधर से, तो वक्त एक्ट में बार काउंसिल के दो मेंबर डाला है, एक सैयद रियाज खान और अब एक आसिफ अली जो भी है, बार काउंसिल ही कर्नाटक में नहीं है, जब बार काउंसिल नहीं है मेंबर नहीं है एक्ट को क्यों नहीं बदलाते हैं? एक्ट को बनाना कानून का काम है, कर्नाटक का सिद्धरामैया जी गवर्नमेंट हो फला हो तुरंत बदलाना है कि भाई नहीं चाहिए हमारे को बार काउंसिल, ये दोनों मेंबर आज तक कुछ भी नहीं बचाया, कोई चीज यहां तक खड़ने वालों को नहीं बोला, आप लोग गिल्टी है, आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं, आप लोगों का नॉमिनेशन में नाम एन हारिस का नहीं डालेगा, आप लोगों के नाम में कनिष फातिमा का नहीं डालेगा, और ये जो गुलबर्गा से जो खड़े हैं इनके ऊपर भी केसेस चल रहा है, आप क्या चीज के लिए सर झुकाया? सर कम खारगे झुकाने दो, सिद्धरामैया झुकाने दो, कांग्रेस को झुकाएंगे? यानी मेरे बुजुर्ग के माल के सामने झुकाने खरगे का माल नहीं है ये, ना सोनिया गांधी का माल है, किसी का माल नहीं है, तो इसलिए मेरे को अच्छा दिख रहा है दूसरा पन्ना आंध्र प्रदेश में कि जो हो रहा है सही हो रहा है क्या?
इसका मतलब कोई बोर्ड अपना कब्जा निकालने से माल इंस्टीट्यूशन दरगाह शरीफ का मसाजिद का माल इनके हवाले नहीं होता है, सरकार ले नहीं सकती है। यहाँ तक तेलंगाना में मेरा होम डिपार्टमेंट से यानी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से तेलंगाना गवर्नमेंट को लेटर आया है, 1600 एकड़ जब लिया सरकार से आंध्र यानी तेलंगाना की, उसको कॉम्पनसेशन देना है, वो तक नहीं दिया, वो तक लिया नहीं है वहां पे। यहाँ तक हमारे असदुद्दीन साहेब की मिनिस्ट्री यानी लोग हैं उसमें अपने वक्फ के आंध्र तेलंगाना में, वो पैसा ही बहुत बड़ा पैसा आएगा, वो तक क्लेम नहीं कर रहा है। तो लोगों को आप क्या बनाते हैं, गुमराह बनाते हैं, लोगों के सर पे ताज होना, कानों में किरण डालता है मुसलमानों को, नाक में नत्थ डालता है तुम्हें लोग ना मुसलमानों को, इस अंदाज पे जो आज बनने का है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ वक्फ बोर्ड और सेक्रेटरी ऑफ माइनॉरिटी और सीईओ के ऊपर है, क्योंकि वक्त एक्ट करने का काम आपका है, वक्त एक्ट आप पेश करो इनके सामने, किसको बनाएंगे, क्या करेंगे। आज तक तो अभी लेना है, सुन्नी में लेते हैं, शिया में लेते हैं, फला में लेते हैं, ये तक तय नहीं हुआ है। दो बार काउंसिल का बिठाया है, बार काउंसिल नहीं है, एक बार काउंसिल बिठाने की जरूरत क्या है, यानी कानून बचाएगा वक्फ बोर्ड को 50,000 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी को, इसलिए बनाता है दो लॉयर साहबों को, क्यों हुआ है कानून में एक बार काउंसिल ले तो सीनियर एडवोकेट लाना है, सीनियर एडवोकेट तो हसमत पाशा साहब है ही है इधर पे और दूसरे भी हैं, और बनाइए आप एप्लीकेशन इनवाइट करिए, एडवोकेट जनरल पे आप कर्नाटक बना दिया आप जो आदमी को, वो आप क्यों नहीं सीनियर लायर को 100, 200, 500 लायरों को क्यों नहीं बनाया जाता है, कानून कुत्तों के पास जा रहा है, कानून की कोई वैल्यू नहीं है। ये यहाँ पे जो अभी वक्त चेयरमैन बनाना है इनके ऊपर क्लीन आदमी होना है, ये एकदम क्लीन चीज, ना रियल एस्टेट का आदमी होना, किसके बाप का माल है, किसके दादा का माल है, आप लोग रियल एस्टेट के लोगों को बांटने, माल कोई पुराने लोगों को है, मैं कई बार बोला हूं, सिर्फ ये एक आधी एकड़ की जमीन आज के 11-12 मेंबर भी नहीं दिए है, दो बार काउंसिल के मेंबर है, उनका घर का कागज से वकनामा नहीं किए है, ये लोगों से शान नहीं है मुझे, क्योंकि ये माल जितना वक् हुआ है बहुत कीमती माल 50 लाख, अनवर मानीपाड़ी बोला 2 लाख करोड़, आज रियल एस्टेट की वैल्यू है वही माल 50 लाख करोड़ से ज्यादा है, 10,000 का माल 40,000 रुपया स्क्वायर फीट बना है, ऐसा माल भी है गुलबर्गा में है, चित्रदुर्ग में है, बेंगलुरु में है, हर जगह पे इसको बचाया जा रहा है लोग, यानी ये लोग आप जैसा खेलते हैं खेल नहीं सकते है, कानून से खेलेगा, कानून क्या है गिल्टी, गिल्टी का मतलब क्या है, लोग 2 लाख 200 लाख मुसलमान गिल्टी है, इनके सामने बोलेगा तुम्हें इन्हें माल खाया है, आप लोग दो करोड़ मुसलमानों को बोलना चाह रहे हैं कानून से यानी अपने सुप्रीम कोर्ट से इसको फांसी की सजा सुनाए तब हम मानेंगे, लोगों को मालूम नहीं है क्या ये लोग खाया, बिलहली में खाया, वडेपुरा में खाया, गुलबर्गा में खाया, फलांग खाया, इनके ऊपर केसेस है, लोगों को ये 200 लाख आदमी को मालूम नहीं है क्या, तो फिर कई का वोट लेता है आने के लिए, ऐसा यानी जिसको चाहिए आप डालो, क्लीन आदमी को लाइए, क्योंकि माल ये हमारा मुसलमान का है, औकाफ का है, ना आंध्र प्रदेश में माल कोई खाएगा वक्त का, चाहे नायडू कुछ भी करो, ना मोदी सरकार से कुछ खाएगा, आप लोग जो नहीं खाएगा उसको चेयरमैन बनाइए, और चेयरमैन जरूरी है जल्दी बनाना है, और ये लोग में हो सकता है जो तीन आदमी का नाम बोला, सरफराज खान सीईओ, माइनॉरिटी का चेयरमैन जो भी सेक्रेटरी है वो, और जितना भी डिपार्टमेंट के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल को ना जावे, यानी प्रोसिक्यूशन का फेस ना करें, ये लोगों को गंदे गलत आदमी को चेयरमैन बना देंगे, हमें तो चैलेंज करेगा ही है, और जरूरी भी नहीं है, क्या क्या लोग आप बताता है, कैसे खाब बताता है, लोगों को मालूम है कौन चोर है कौन साफ है क्या ऐसा है, चोरों को ही ना क्या बिठाएगा, बिठाओ ना, फिर भी इलेक्शन फेस नहीं करेगा क्या, इमाम को अपने मिंबर मुबारक से लाके भीख मांगता है ना लोग, वहां पे नहीं बिठाएगा क्या, क्योंकि गलत काम आप करवाया तो उसकी आपकी इज्जत आपका मुखान चल जाएगा, सोच समझ के आप करो, जेल को नहीं जाएगा, और कौन भी अपना ऐसा फेसिंग करके चंद्रबाबू नायडू के ऊपर रख के यहां पे पूरा तुम्हें एकदम गंदा चोर, जिसके पास एक एक आदमी के पास तकरीबन 5,000 करोड़ का औकाफ का माल है, ऐसे आदमी को ना मेंबर बनाएगा ना चेयरमैन बनाएगा आपको।